ब्रह्म रूप भगवान स्वरूप से निकली गंगे मात पिया और नहाने धोने चल पीने से शुद्ध हो जाते गात पिया हो ऋषि के लात मारी भक्ति में भंग हो गया और क्रोध में नेत्र लाल हो गए ऋषि जिस तरफ लखावे जल के भस्म हो गया सब कुछ। राजा सगड़ का पोता था कौन अंशुमान देखा कि भाई कुणबा नहीं आया कुणबे किटो में चल देता है। किसी विद्वान आदमी ने बताया कि भाई देखे बेटे न्यू ना जिए क्या क्यों सर पे अंगोछा धरिए मुंह में घास लेके जाइए ना तू भी भस्म हो जाएगा। लड़के ने मान के वैसे चला दूसरी कली में क्या बता दिया ओ ये फेर ऋषि की आंख खुली ओ फेर ऋषि की आंख खुली जब सबका ढेर बनाया अनसुमा ने सकड़ का पोता कुण बाटो होने आया और चाचा ता उमर रे देख के जी मुक्ति को पाया ये तुमा भी मेरे ना हो मुक्ति यो भेद गरुड़ ने लाया Come on.
लड़का रोने लग गया, क्या इतनी लाशों का मैं अंतिम संस्कार भी कैसे करूं, कैसे मुक्ति मिलेगी। जब गरुड़ ने भेद बताया कि इनकी मुक्ति हो जाएगी, इनकी हड्डियों को गंगा में परिवर्तित की जाए। सज्जनों जो गंगा नहीं थी, लड़का नुकन लगा कि जी गंगा तो है ही नहीं, कभी घोर तपस्या कर गंगा जरूर आएगी। लड़का अंशुमान भक्ति के लिए बैठ जाता है। आने वाली चार पीढ़ी भी चली गई, गंगा नहीं आई। जब पांचवी पीढ़ी में भागीरथ ने जन्म लिया, उधर से विष्णु भगवान ने गंगा को आदेश दिया, अब तेरे को जाना पड़ेगा मृतलोक के अंदर। नौकर लगे कि महाराज 900 मील की लंबाई, इतना बारिश होते ना ओट कौन लेगा, कौन वो शिव जी। महाराज नौकर लगा कभी यो जिम्मेवारी मेरी, तुम बे मैं उठ गया और कई साल तक अपनी लटा के अंदर गंगा को रखा। तीसरी कली में दादा ने क्या लिख दिया, फिर पंचम पीठी आई, भागीरथ ने जन्म लिया, उस भक्ति में या लो लाई, मृत लोक मर जाना होगा, नू विष्णु ने भरमाई, मृत लोक में कौन ओट ले, वन्यु बोली गंगे माई। ओ मृत लोक में कौन ओट ले, नू बोली गंगे माई। कली तो इतिहास के भजन के बारे में लिखता है, चौथी कली अपने जीवन पर भी लिख देता हूं, लेकिन वो आजकल जैसे कवि नहीं थे। आजकल के तो कविता ही बिल्कुल नहीं आ रही। कोई प्रोग्राम हो, गाने सारे एक बाजेंगे, चाहे ब्याह हो, गाना बाजेगा, जेल कराओगे रे छोरी, जेल कराओगे। उसका ना दिमाग में हो तो दिमाग में आ जा, करवाणी ने भीतर तो करवाने। 60 साल की बुढ़िया नाचेगी आज मेरे यार की शादी, अपने छोरे के ब्याह में नाचेगी। संस्कृति बदलेगी। जब रक्षक भक्षक हो जाता है वो चीज सजनों ज्यादा दिन नहीं टिकती। चौथी कली में राय धनपत सिंह ने नू कहा, कभी हमारे समय में तो बैलगाड़ी में ऊंटरेड़ी में जाया करते, मोटर लारी रेल भी चल गई थी। पंडित मांगे राम जी, धनपत राय जी फ्री शांत कराया करते माता के ऊपर, और अपना रास्ता बताया चौथी कली में। क्या बता दिया, बह सुनारी में हो, और 8 कोस पे अपने मात का रहती मदद हमारी में, तेरी से दिल्ली मोटर और आगे रेल सवारी में, तेरी से दिल्ली और